दिस वीडियो इज ओनली एजुकेशन पर्पस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा, अगर जो भाई लोग आप तीन पत्ती खेलते हैं, चाहे कार्ड के माध्यम से खेलते हैं या फिर ऑनलाइन खेलते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी भाई लोग अगर जो आप तीन पत्ती का जुआ खेलते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और साथ ही साथ इसमें आपको ट्रिक भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग खुद देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे पहले वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर जो आप स्किप कर देते हैं भाई लोग, तो कुछ भी सीखा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको रियल कंटेंट रियल ट्रिक में बताऊंगा। ट्रिक सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 5 से 6 लोगों के बीच पत्ता डिवाइड करूंगा भाई लोग, और 100% विन करके दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखना है, पहले वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अगर जो आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, तो कुछ भी सीख या समझ नहीं पाएंगे भाई लोग, ठीक है। जो भी मैं ट्रिक बताऊँगा, रियल कॉन्टेंट बताऊँगा, रियल ट्रिक के साथ बताऊँगा। तो भाई लोग, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ आप लोग से कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, ये आपका दोस्तों पत्ता मैंने काफ़ी समय से सफल कर लिया, फुर्री लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बंदा टच कर ले या कट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे 5 से 6 लोगों के बीच पत्ता डिवाइड करूँगा और सबसे बड़ा पत्ता मेरा आएगा। आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोगों के बीच मैंने पत्ता डिवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 लोग और डालता हूँ, 5 6। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से समझना है, ट्रिक भी मैं बताऊँगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा पत्ता ये मेरा है, जो 5वें नंबर का है, ये सबसे बड़ा पत्ता, अभी आप लोग लाइव प्रूफ देखिएगा। चलिए, यहाँ पर मैं पहले 3-3 कार्ड डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई मार्क कोई ट्रिक नहीं है, रियल कंटेंट है आपको। चलिए, यहाँ पे मैंने पत्ता डिवाइड किया, आप देखिए 5वें नंबर की पत्ती जो है भाई लोग मेरी है, सबसे बड़ी पत्ती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। कैसे आएगी, कैसे हुआ, कैसे सेट कर सकते हैं, वीडियो पूरा देखना है आप लोग को, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 5 से 6 लोगों के बीच मैंने पत्ता डिवाइड किया, ठीक है, सबसे बड़ी पत्ती मेरी है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये भी पत्ता अच्छा लगा, 2 3 4, ये भी आपका रन है, लेकिन छोटा रन और सबसे छोटा रन है, सबसे छोटा। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि कच्ची रन है, क्योंकि तीनों तीन कलर के, तीनों क्रम वाइज तो हैं, लेकिन अलग अलग कलर के, जैसे ये पान का, ये ईट का है, चीड़ का। तो ये भाई लोग, बहुत सारे भाई लोग को जानकारी नहीं होगा, तो वीडियो पूरा देख के आप पत्ती बनाना भी जान जाएंगे। तो ये आपका सबसे छोटा रन और कच्ची रन है, ठीक। इस तरह की भी पत्ती बेस्ट और अच्छी मानी जाती है, इससे भी आप 2-4 हाथ चल सकते हैं, ठीक। चलिए, दूसरे बंदे की पत्ती मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, ये नाला का जूट है, नाला का जूट मतलब ये बड़ा पत्ती है, ये छोटा पत्ती। अगर जो इस तरह की पत्ती आ रही है, तो आप हार जाएंगे और ये वाला पत्ती जीत जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जानकारी भी हो जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कुछ सीखना भी है। चलिए, मैं यहाँ पे तीसरे बंदे की पत्ती दिखाता हूँ, ठीक है। तो तीसरे बंदे की दोस्तों आप देख लीजिए, अरे 3 दहला यानी तीरे लगा है दोस्तों, वाह। अब आप लोग देख सकते हैं कि इससे बड़ा पत्ता पूरे गड्डी में अब जितने भी भाई लोग खेलें, किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसके पास होगा। अभी मेरी सबसे बड़ी पत्ती है, लेकिन क्या है, कौन सी पत्ती, वो तो आप लोग देखिएगा वीडियो को, पहले स्किप नहीं करना, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, तीसरे बंदे की पत्ती दहला का तीरेल है, तो ये बंदा जीत रहा है, ये दोनों हार रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं चौथे बंदे की पत्ती दिख रहा हूँ, ठीक है, वो 7 8 9। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये रन लगा है, ठीक है, ये भी आपका कच्ची रन है, इनप्योर जिसे कहते हैं, ये भी कच्ची रन है, इनप्योर है। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, ये भी अलग अलग कलर का है, ठीक है, इसलिए इसे इनप्योर माना जाएगा और कच्ची रन। लेकिन इस रन से ये रन बड़ा है, क्योंकि ये 4 तक रन है, ये 7 8 9 तक रन है, तो ये रन उससे थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन फिलहाल मैं बात करूँ तो इस चारों में दोस्तों सबसे बड़ा पत्ता दहला का तीरेल, ये बंदा जीत रहा, बाकी लोग हार रहे हैं। अगर जो किसी के पास दहला का तीरेल नहीं है, तो ये वाला बंदा जीत जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। अगर जो किसी के पास कोई भी तीरेल नहीं है, तो आपके पास इस तरह पत्ती आ रही, तो आप जीत सकते हैं, ठीक है। इससे बड़ा किसी का रन नहीं है, तो आप जीत जाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैं 5वें बंदे की पत्ती दिख रहा हूँ, फाइनल मैं आपको अपना दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए,
गुल्लू, दूसरा भी गुल्लू, तीसरा भी गुल्लू। वाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये भी पत्ती काफी जानदार और काफी शानदार और सबसे बड़ी पत्ती लगी है गुल्लू का तिरियल। तो ये गुल्लू का तिरियल सबको हरा रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज़ सीखना है, समझना है कि गुल्लू का तिरियल है तो सबको हरा रहा है, सब भाई लोग हार जाएंगे, ठीक है, और जीतेगा यही बंदा, क्योंकि इसके पास गुल्लू का तिरियल है। गुल्लू का तिरियल मतलब इन सबसे बड़ा पत्ता है, ठीक है, तो ये जीत रहा है, ठीक है। तो इस तरह की विपत्ति आएगी तो आप कई हाथ चल सकते हैं। इसको हराने के लिए बादशाह बेगी इक्का रहेगा तभी ये हार पाएगा, नहीं तो आप जीत जाएंगे, ठीक। चलिए मैं फाइनली अपनी पत्ती दिखा रहा हूँ भाई लोग, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। और मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके अलावा जो भी चीज़ पूछना है सीखना है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला इक्का, ठीक है, दूसरा इक्का और तीसरा इक्का। वाह सुपर सुपर दोस्तों आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा पत्ता यहाँ पे देख लीजिए, इक्का का तिरियल मतलब सबसे बड़ा पत्ता होता है, ठीक है। बादशाह बेगी गुल्लू दहला जो भी है इन सबसे बड़ा पत्ता आपका इक्का का तिरियल होता है, ठीक है। गुरु है ये, हुकुम का इक्का सबसे बड़ा पत्ता हुकुम का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा पत्ता मेरा इक्का का तिरियल आया है। तो यहाँ पे जितने भी भाई लोग पैसा लगाए होंगे सब लोग हार जाएंगे और मैं फाइनली यहाँ पे जीत जाऊँगा, क्योंकि आपकी पत्ती सबसे बड़ी है। तो आप भी इस तरह मास्टर ट्रिक कर सकते हैं रियल कंटेंट के साथ, अधिक से अधिक लोगों को आप जुए में खेल भी सकते हैं, और जो भी पैसा लोग लगा रहे हैं सारा पैसा आप जीत जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन इसको सीखने के लिए आपको पहले वीडियो पूरा देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और दोस्तों चलिए अब मैं बताऊंगा कि जिन भाई लोग को ट्रिक सीखना है, इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, और जिनको ट्रिक सीखना है वो प्यारा सा कमेंट जरूर करें, मैं उनको और अच्छे से उनको व्हाट्सअप पे जो भी है अच्छे से रियल कंटेंट के साथ उनको ट्रिक बताऊंगा। और मैं आशा करता हूँ इस ट्रिक के माध्यम से आप जो भी पैसा बर्बाद हुए हैं जीत जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।